हमारे जजेस ने क्या फैसला किया है, प्लीज मुझे जरा साश और बुला के देते सब चीजें। हमारे जजेस ने क्या फैसला किया, आप तीनों में से कौन बताना चाहेगा? मेरे ख्याल से मदिया सबसे कम बोली है पूरे शो में। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि जो भी हम फैसला करें वो कोई अपने दिल पे ना ले ले कि भाई ये कोई इसके बाद मतलब कयामत आ गई, सब बंद हो गया। सबने अपनी तरीके से बहुत अच्छा किया हुआ है, मतलब आगे आगे आप लोग सीखते जाएंगे और उसको और बेहतर करते जाएंगे, मगर जो भी आज फैसला होगा वो सबको देखने के बाद हमने डिसाइड किया है। ओवरऑल जो हमें लगता है कि बेहतर है सब में, और उनको भी और प्रैक्टिस की सबको जरूरत है जैसा हम सबको है, तो उसमें अगर हम करें बात तो नगीन की ब्राइड को आप कहते हैं आप तीनों के नंबर वन। ठीक है, आइए नगीन। नगीन आपने क्राउन पहनाए, सैश पहनाए अनिला और अब इसमें कुछ चीजें जो मुझे एकदम नजर आई, एक तो ये फ्रेश लग रही है, ग्लो है इसके चेहरे पे, बाकी आकिफ मेकअप के लिहाज से इतना मार्जिन था, तुम ओवर मेकअप कर सकती थी क्योंकि इसकी शर्ट बहुत प्लेन है, बट फिर भी तुमने बहुत मिनिमाइज आईज, जितनी ये लड़की खूबसूरत लग सकती थी उतना तुमने बहुत जस्टिफाई किया। मेकअप बहुत नीट है और यू नो फीचर्स, तुम्हें अंडरस्टैंड करना आता है फीचर्स को, तो आई मस्ट से वेरी गुड। अच्छा, हम जो बार बार कह रहे हैं ना कि अगर आपको ससुराल का सारा जेवर पहनना है, देखिए झूमर नहीं है ना, तो ना सतलड़ा है, इसने बहुत ही मिनिमाइज, अगर झूमर भी है, टीका भी है, नथ भी है, तो वो कॉम्बो बहुत कम लोगों पे अच्छा लगता है। सही, बिल्कुल। तो हम जो आपसे बार बार कह रहे हैं ना कि अगर सतलड़ा भी आपने पहनना है, ज्वेलरी भी पहननी है, तो ये शर्ट इस तरह की होनी चाहिए, प्लेन। स्लीव्स पे काम करा लो अगर आपको ज्यादा है, तो शर्ट हैज टू बी प्लेन। अगर सतलड़ा आपने सारी ज्वेलरी पहनानी है जो पहले होता था, पहले ये होता था कि एक सेट सोने का है, फिर दूसरा भी सोने का, और तीसरा और चौथा भी सोने का है, तो वो मैच नहीं करते थे एक दूसरे से, इसलिए वो बहुत ओवर और बुरे लगते थे। अभी ये क्या कि अब लोगों को ये कि ऊपर वाला सेट चौकर होगा और नीचे वाला लंबा होगा, ये लास्ट टू ईयर से ट्रेंड जो है दोबारा से है, तो उसमें आप लोगों को चाहिए कि जब अपना शर्ट चूज करो तो वो बहुत ना गला बहुत भरा हुआ ना, नीचे काम हो जाए, ऊपर बहुत लाइट काम हो, स्लीव्स पे करवा लें, देयर इज सो मार्जिन, और प्लेन भी शर्ट रखोगे अच्छे रिच फैब्रिक में तो लुक ही अलग आएगी। थैंक यू सो मच अनिला, मदिया, आकिफ, आप तीनों एक्सपर्ट्स का, जजेस का, कि आपने इतना सही फैसला दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि एक चैलेंज था ये अनिला और आकिफ के लिए, खास तौर पर जो हमारी ब्राइड्स थी, आ जाओ इधर आओ। हमारी ब्राइड्स जिनका मेकअप ब्लंडर्स हुए हुए थे, और आप लोगों को पता ही नहीं कि ये ब्लंडर है, आप तो समझ रही होंगे इतने पैसे देके हमने मेकअप कराया तो अच्छा ही होगा, दोस्तों को एकदम से टीवी पे अच्छा लग रहा है, बट अगेन अब आप जो बिफोर एंड आफ्टर कर रहे हो जी, आप कंपैरिजन करके देखे, सॉरी इसका दुपट्टा ही गया बेचारे का, अब जो कंपैरिजन करके आप देख रहे हैं उसमें आपको पता चलेगा कि कैसा फर्क आया है, नुमाया फर्क। और ये हमने प्रोग्राम डिजाइन किया ही इसलिए है कि आप इनको देखकर समझ सकें, क्योंकि आंखों का देखा जो है ना वही सबसे बड़ा क्रिटिक होता है। ठीक है, जो ये हमारा आज का शो था, शुक्रिया आप सारे जजेस का, आप सारे कंटेस्टेंट्स का, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करें। खुदा हाफिज जी, कल आपसे मिलेंगे एक और जबरदस्त एनर्जेटिक प्रोग्राम के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपका खास दिन करीब है तो